देखिए, जंगली नाथ बाबा का दरबार में हम आ चुके हैं। बाबा के आंगन में गंडक नदी खेलती हुई नजर आ रही है, यानी कि बह रही है। और बहुत तो बड़ा मंदिर नहीं है, मगर बाबा की ख्याति बहुत बड़ी है। यहाँ पे मैं बाबा का शिवलिंग का भी दर्शन आप लोगों को मैं करवा रहा हूँ। देखिए कितना भव्य और सुंदर बाबा का शिवलिंग है। ये माँ पार्वती, गणेश जी और नंदीश्वर भगवान है। बाबा का अस्त्र को आप लोग पहचानते हैं, त्रिशूल है। तो मैं बाबा के बारे में कुछ विशेष जानकारी यहाँ के पुजारी जी से मैं पूछना चाहता हूँ। पुजारी जी मेरे सामने हैं। पुजारी जी, हर हर महादेव। महाराज, आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा? गंगादास जी। बाबा की ख्याति तो बहुत मैंने सुना था, मगर कुछ बाबा के बारे में बताइए, कैसे क्या हुआ था, बाबा की उत्पत्ति कैसे हुई? 200 साल पहले जी पूरी जंगल था, बागशेर की बसीना था, बाघ शेर और रहा करते थे जी। जी गुरु के चढ़वा आकर के यहाँ पर गुरु हिलाते थे, यहाँ पर बहुत तूफान आया, बहुत विशाल तूफान आया कि जी, तूफान आया बहुत भारी जी। उस तूफान में सब कोई चढ़वा भागने लगा, गुरु मारी कर भागने लगा, कोई लुका गया। उसके बाद में 1 घंटा के बाद शांत हो गया, लगते हैं तो निकला हुआ है। अच्छा अच्छा, मतलब एक बहुत बड़ा तूफान आया और जब शांत हुआ तो शिवलिंग दिखा सबको। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। हम तो यहाँ तक हम पता किए हैं कि बाबा के बारे में जो चोर कुदारी से खोद रहे थे तो ब्लड भी विस्फोट खून दिए थे। अच्छा अच्छा, खून बहने लगा, खून बहने लगा तो ये लोग होश गुजर गया, नदी है भागने लगे, नदी को पर जा करके सब जीते गए, खून पकड़ के मरते गए। देखिए बाबा की कितनी बड़ी महिमा है। बाबा के दरबार में यहाँ पे गणेश जी, हनुमान जी, माँ दुर्गा का भी मंदिर बना हुआ है, तो बाबा को नमन करते हुए अपनी संपूर्ण मुराद को बाबा से कही। बाबा तो बहुत दयालु है, सबकी इच्छा की पूर्ति करते हैं। इसी के साथ हर हर महादेव, जय शंभु, जय मां पार्वती माता की जय। हर हर महादेव, जय जय।